मेरा इंस्पिरेशन वाला मेरा भाई है, जो कि वो भी बॉडी बिल्डर है और वो भी इंडियन आर्मी में है। उसको देख के मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई है। तो उसको देखकर मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँ, क्योंकि किधर भी जाते हैं तो बॉडी बिल्डर्स को सभी देखते हैं, भाई को सभी देखते थे। तो मुझे भी एक जोश आया कि हाँ, मैं भी ऐसा बनना है जो कहीं भी जाऊँ तो सभी लोग देखते हैं। पहला कंपटीशन जीता, कोच ने भी मेरे शोल्डर पे हाथ मारा और शोल्डर को थपथपाया, बोले बेटे अभी तो शुरुआत है, तुझे और भी काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीतने हैं। तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस और जग गया कि मुझे और भी कुछ बेहतर करना है। सबसे पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग में यही है, जो भी मतलब डाइट का और प्रैक्टिस का और रेस्ट का, ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा रखना पड़ता है। और हमारा तो नॉर्थ इंडियन का खाना ही है कि घी दूध, वो सबसे ज़रूरी है। बाकी तो सब कुछ छोड़ देता था, लेकिन मुझे दूध छोड़ना डाइटिंग टाइम में थोड़ा मुश्किल लगता था। अगर मैं दूध छोड़ दिया तो समझो कि मेरा कटिंग शुरू हो गया बॉडी में। तो फिर मतलब इतना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो धीरे धीरे फिर बॉडी को हैबिट होने लगी। एक दो तीन साल थोड़ा मुश्किल लगा, पर लेकिन अभी डाइटिंग करना कोई ज़्यादा टफ नहीं लगता है। अभी एक नॉर्मल सी बात होगी, बॉडी को हैबिट होगी और वे सब चीज़ खाने की आदत पड़ चुकी है।
देखो ऑफ सीजन टाइम रहता है तो उसमें तो हम 2 आवर्स करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, अगर जो सीजन टाइम है तो फिर उसमें टाइम नहीं देखते, हम अपना वर्कआउट को देखते हैं, वर्कआउट कब ख़त्म होगा तभी हम छोड़ते हैं, कम से कम 2.5-3 घंटा सुबह शाम तो हो ही जाता है।